चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि एमपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार होम आइसोलेशन पर जोर दे रही है। प्रदेश में ज्यादातर मरीज घर पर ही इलाज करा रहे हैं। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मरीजों की निगरानी की जा रही है। दिन में दो बार डॉक्टर फोन कॉल के जरिए मरीजों के हेल्थ का चेकअप कर रहे हैं। 3 से 4 दिन बाद कोरोना की पीक को लेकर उन्होंने दावा किया कि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने कमलनाथ के बयान को लेकर भी उन्हें घेरा है। मंत्री सारंग ने कहा कि कमलनाथ के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बात है कि पॉजिटिव केसेस जो हैं वो होम आइसोलेशन में ही रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। इसीलिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था को हमने पूरी तरह चुस्त दुरुस्त किया हुआ है। हमारे हर जिले के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कम दिन में 2 बार जितने भी एक्टिव केस हैं, जो पॉजिटिव केस हैं, उनको फ़ोन के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श दिया जाता है। मेडिकल किट भी हम दे रहे हैं, दवाइयों की किट भी दे रहे हैं, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये संक्रमण की दर ना बढ़े। परंतु ये बात सुनिश्चित है कि हम सबको पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए हर तरह के उपाय करना चाहिए। कमलनाथ जी की बातों पर बहुत ज़्यादा हमें गौर नहीं करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। वो व्यक्ति जिसके दामन पर सिख दंगों के दाग लगे हों, वो इस देश की एकता अखंडता की बात करता है या क्या शोभा देता है? वो व्यक्ति जिनका ट्रैक रिकॉर्ड केवल एक नेहरू परिवार के ड्योढ़ी पर नाक रगड़ने से राजनीति स्थापित करने का रहा हो, क्या उसको इस देश की फिक्र रही होगी? वो व्यक्ति जो सालों तक केंद्र की सरकार में मंत्री रहा हो, सांसद रहा हो, एक प्रदेश का, एक सूबे का मुख्यमंत्री रहा हो, उसके ट्रैक रिकॉर्ड में कहीं भी देश की एकता अखंडता के लिए काम करना नहीं दर्शाया गया हो, ऐसे व्यक्ति के मुंह से इस तरह की बातें ठीक नहीं लगती।